दोस्तों, इस दुनिया में डर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे में अगर आप भी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारी आपको सलाह रहेगी कि इस वीडियो को देखने के लिए अपने भाई बहनों के साथ में बैठना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाएंगे जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांपने लगेगी। इसलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि ये वीडियो आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो जापान के एक एयरफोर्स बेस की है जहां पर सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद गार्ड्स हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि एक अजीब सी परछाई जैसे दिखने वाली चीज यहां पर घूम रही है। गार्ड्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो भी पूरी तरह से हैरान हो गए। दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरह से परछाई एक झटके में ही गायब सी हो गई। अब दोस्तों, आप हमारे भारत में ली गई इस वीडियो पर भी अपने नजर डालिए, क्योंकि यहाँ पर दो लड़के ये देखना चाह रहे थे कि इस एरिया में रात के समय में जो भूत वाली कहानी सुनाई जाती है वो सच्ची है या झूठी। भाई, ऊपर से की होटा, कालो छाया होटा। इसी वजह से 3 बजे ये लोग भूत ढूंढने निकल गए। शुरू में तो इन्हें सब कुछ सही लगा, लेकिन तभी अचानक से एक परछाई दिखी और उस परछाई को देख कर ये लड़का तेजी से दौड़ने लगा। क्या होटा? जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो चीज इस व्हाइट टी शर्ट पहने लड़के के पीछे भाग रही है, उसका फिगर काफी लंबा चौड़ा है और वो पूरे तरीके से ब्लैक दिखाई दे रहा है। हालांकि साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि आखिर वो है कौन, लेकिन जिस हिसाब से लड़का डरा हुआ लग रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये जरूर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। बाकी ये कोई ढोंग भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे लोग खुद को मशहूर करने के लिए इस तरह की चीजें भी कर डालते हैं। पर अगर इस बात का 1% भी चांस है कि ये सच है तो ये वाकई बहुत डरावना है। दोस्तों, यहाँ 3 दोस्त एक ऐसे घर के पास खड़े हैं जो कई सालों से सुनसान है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। उन्होंने कहीं से इस घर में भूत के होने वाली कहानी सुनी और इसलिए रात में तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन दिन में ये यहाँ पर भूत ढूंढने निकल पड़े और देखते देखते उनके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। जिसे देखकर इनकी हालत खराब हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये जो दरवाजा था पहले, इस पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक से ये दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई शख्स झांक रहा है। अब ऐसा सच में हो रहा है या नहीं, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कोई चीज मूव जरूर कर रही है, लेकिन कैमरे में क्लैरिटी न होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वीडियो 2007 की है और उस समय कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। शायद ये वीडियो अगर इस समय क्लिक की गई होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका होता। अब आप जरा इस वीडियो पर अपनी नजर डालिए जहां पर हम ये साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक महिला साड़ी पहने पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। हालांकि ये बात इसलिए हैरान करने वाली नहीं है कि एक महिला पेड़ के ऊपर चढ़ी है, बल्कि इसलिए हैरान करती है कि वो जिस डाल पर चढ़ी है उस डाल पर चढ़ना और बैलेंस बनाकर खड़े होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये महिला जिस हिसाब से बिना हिले डुले यहाँ खड़ी है, उसे देखकर किसी की भी सांसें थमने लगेगी, क्योंकि ये काफी डरावना है। जहां इस महिला को खबर ही नहीं है कि आगे पीछे कौन है, वो तो बस बड़े आराम से पेड़ के ऊपर खड़ी है। ये हैरान करने वाली फोटो भी कई सारे राज खोलती है, क्योंकि अगर हम इसे पैरानॉर्मल तरीके से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा डरावनी है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की निगाहों से देखें तो ये चीज फोटोशॉप से भी संभव है। अब हमें नहीं पता कि ये फोटो फोटोशॉप से की गई है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये फोटो वाकई में हैरान करने वाली है। बाकी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या आप भूत प्रेत जैसी चीजों को मानते हैं? और अगर मानते हैं तो क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ
जो बहुत ही ज्यादा डरावना रहा हो, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी तो चीजों से डर ही जाते हैं। बाकी आप कब और किस चीज से डरे हैं उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम और हमारे सब्सक्राइबर आपकी कहानी बड़े मन से पढ़ सकें। अब दोस्तों, ये वीडियो एक कब्रिस्तान की है जहां पर बहुत ही अजीब सी चीज हुई, और वो अजीब चीज ये थी कि बिना हवा के यहाँ पर एक कपड़ा उड़ता हुआ आ गया। जी हाँ दोस्तों, जिस समय कपड़ा उड़ रहा था उस समय हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन ये कपड़ा उड़ता हुआ पूरे कब्रिस्तान में घूम रहा था, जो कि वाकई में हैरान करने वाली चीज थी। इस इंसिडेंट के बाद इस कब्रिस्तान में रात के वक्त लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर अजीब अजीब सी चीजें लगातार होती रहती हैं, और जिस हिसाब से कपड़ा बिना हवा के उड़ रहा है उससे तो पता ही चल रहा है कि वाकई में यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, ये वीडियो भी कुछ कम डराने वाली नहीं है। मैक्सिको के एक रिजॉर्ट में कैप्चर की गई ये वीडियो काफी अजीब है, जहां पर करीब 2-2.5 किलो का ये मास्क अपने आप हिलने लगा। पहली बात तो ये मास्क हवा से हिल नहीं रहा, क्योंकि जैसा कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि आसपास मौजूद पेड़ पत्तों में से कुछ भी नहीं हिल रहा। और दूसरी बात यह कि अगर हवा चल भी रही हो तो भला इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है कि 2-2.5 किलो का मास्क उड़ने लग जाए। ऐसे में दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है ये किसी का प्रैंक हो, लेकिन यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। ऐसे में इस अजीब से इंसिडेंट के पीछे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा क्रीपी है। ये भी एक शैडो वीडियो है, जहां पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ शैडो बहुत ही अजीब तरीके से मूवमेंट करता है और थोड़ी ही देर बाद गायब हो जाता है। दोस्तों, ऐसा होने के बाद कमरे में एक अजीब सी लाइट चमकती हुई आती है, मानो ऐसा लग रहा है कि दिवाली का रॉकेट डायरेक्ट आकर इस कमरे में गिरा हो। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे आपके लिए। दोस्तों, ये वीडियो यूट्यूबर स्टैन कार्लॉक ने अपलोड की थी, जहां पर इनका दावा है कि इनके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक बहुत ही अजीब सी चीज ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह एक अजीब सी चीज सामने से आती है और आगे जाकर गायब हो जाती है। इसके बारे में स्टैन का कहना है कि उन्हें इस वीडियो में बना अजीब सा मुंह काफी ज्यादा डराता है और रात में उनके सपने में भी आता है। दोस्तों, इस वीडियो में यूट्यूबर कैल्सी डेवेस मैक्सिको की एक हॉन्टेड जगह पर जाती है, जहां पर कई सारे लोगों को दफनाया गया है और वो सभी मुजरिम होते हैं। इस जगह के बारे में इन्होंने बहुत सुना होता है और इसी वजह से ये और इनके फ्रेंड यहाँ पर वीडियो बनाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही ये इस जगह के अंदर जाती है, पहली बात तो वहां कोई होता ही नहीं है। दूसरी बात, जब इस अजीब से कांच के गिलास की तरफ ये लोग देखते हैं तो उसमें से एक हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों ही हैरान हो जाती है। So they still have like... दोस्तों, जैसा कि आप सुन सकते हैं कि आवाज बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसे सुनकर ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। और जैसे ये लोग बाहर जाते हैं, उन्हें ये दिखता है कि बाहर लटकी हुई चैन अपने आप ही हिल रही है। इस पूरे इंसिडेंट के पीछे इनकी साजिश है या फिर ये असल में हुआ है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब इस तरह की जगह के बारे में आपको पहले से पता हो, तो यहाँ पर जाकर खतरे को मोल लेना कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को कमांडो डिजाइन नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो वाकई हैरान करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैमरे में साइड में एक शोल्डर दिखाई दे रहा है। हाँ, हमें पता है कि आप ये कहेंगे कि ये किसी इंसान का शोल्डर हो सकता है, लेकिन असली खेल तो तब पता चला जब इस घर के मालिक ने सुबह सभी चीजें क्लियर की, जहाँ उनका कहना है कि इनका एक कैमरा 10 से 15 फीट ऊपर लगा हुआ था। That you see in the video, 'cause it's a fisheye lens, but look, there is nothing here.
दोस्तों आपने सुना कि ये कैमरा कितनी हाइट पर लगा हुआ है, और इतनी हाइट पर इंसान होना तो लगभग इस समय नामुमकिन सा है। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि सीढ़ियों पर भी एक कैमरा लगा हुआ है जो मूव करता रहता है, लेकिन इस कैमरे में किसी भी इंसान के आने की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। Sometimes there's birds in it, sometimes there's not, but there's no, there were birds in there and now there's not, but that could just be that the birds left. I don't know if anything got. दोस्तों जिस हिसाब से ये शख्स एक एक चीज समझा रहा है उसे देखकर तो लगता है कि ये खुद भी काफी डरा हुआ है, क्योंकि इतनी हाइट पर कैमरा लगे होने पर कोई पैरानॉर्मल चीज इस तरह से रिकॉर्ड हो जाए तो किसी को भी हैरानी होगी, जैसे इस समय इन्हें हो रही है। दोस्तों ये थे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो इंसान को पूरी तरह से हिला सकती है। बाकी आपको इन सभी वीडियो में कौन सा सबसे रियल और कौन सा सबसे फेक लगा उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।